ईडी कस्टडी में मुख्तार अंसारी से जांच एजेंसियां जवाब निकलवाने में जुटी हुई हैं। पहले दिन से डॉन गोलमाल जवाब दे रहा है, लेकिन जांच एजेंसियां वही सवाल घुमा फिरा कर पूछ रही हैं। अब बेचारा डॉन पूछ रहा है कि करे तो क्या करे। ईडी के सवालों की लंबी लिस्ट, डॉन पर आरोपों की फहरिस्त, नौ दिन में सवालों की बौछार, मुख्तार अंसारी का चेहरा बेजार। डॉन को कस्टडी में लेकर बैठी ईडी ने ऐसे ऐसे सवाल पूछे कि मुख्तार को यही समझ में नहीं आया कि हां कहने से बचेंगे या ना कहने से। जब अंसारी को कुछ नहीं समझ में आया तो कह दिया कि मुझे क्या पता, मैं तो सालों से जेल में हूं। तो कहा जा सकता है कि मुख्तार अंसारी से पूछताछ का आज अंतिम दिन है और ईडी को कल यानी 23 दिसंबर को दोपहर 2 बजे से पहले उसे कोर्ट में पेश करना होगा। और जो सूत्र हैं वो ये जानकारी दे रहे हैं कि पूछताछ में मुख्तार अंसारी कोई खास सहयोग नहीं कर रहा है, वो ज़्यादातर सवालों पर ये जवाब देता है कि वो पिछले 17-18 सालों से जेल में है, इसलिए उसे इन मामलों में ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो कल जब ईडी की टीम मुख्तार अंसारी को कोर्ट में पेश करेगी तो इस बात की संभावना जताई जा रही है कि वो कस्टडी रिमांड बढ़ाए जाने की अर्जी दाखिल नहीं करेगी। नौ दिन में जांच एजेंसी ने सवालों की झड़ी लगा दी है। सूत्रों के मुताबिक डॉन ने जांच एजेंसी को बरगलाने की पूरी कोशिश की है। कई सवालों का जवाब उसने टाल दिया, कुछ सवालों के गोलमोल जवाब दिए तो कुछ के जवाब में जेल में होना गिना दिया। मुख्तार अंसारी से प्रयागराज के ईडी के इसी दफ्तर में लगातार पूछताछ की जा रही है। आज पूछताछ का नौवां दिन है, आज भी कई अहम बिंदुओं पर पूछताछ की जा रही है। मुख्तार अंसारी से सुबह से ही पूछताछ शुरू हो चुकी है और बहुत संभावना इस बात की जताई जा रही है कि आज मुख्तार अंसारी के परिवार की कंपनी विकास कंस्ट्रक्शन और ससुराल की जो कंपनी है आगास कंस्ट्रक्शन, उससे जुड़े हुए कुछ कर्मचारियों को भी बयान देने के लिए बुलाया जा सकता है। इसके साथ साथ मुख्तार अंसारी से इन कर्मचारियों का आमना सामना कराया जा सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कई ऐसे पुराने बिंदु हैं जिन पर ईडी की टीम मुख्तार अंसारी से पहले भी पूछताछ कर चुकी है। नौवें दिन मुख्तार अंसारी से ज्यादातर पुराने बिंदुओं पर ही फिर से पूछताछ हुई है। सूत्रों के मुताबिक ईडी की टीम ने फिर से मुख्तार से देश भर में खरीदी गई उसकी संपत्तियों, लगातार फरार चल रही पत्नी अफसा अंसारी, जेल में बंद बीएसपी सांसद अतुल राय से रिश्तों, विधायक निधि के दुरुपयोग के आरोपों, गाजीपुर में सरकारी जमीन पर कब्जा कर उस पर वेयर हाउस बनाए जाने और परिवार व ससुराल की कंपनियों के गठन और वित्तीय लेन देन के बारे में सवाल पूछे। इन बिंदुओं पर भी मुख्तार अंसारी का बयान आज एक बार फिर से लिया जा सकता है, उससे कई नए सवालों के बारे में पड़ताल की जा सकती है। और जिन बिंदुओं पर आज दोहराया जाने की उम्मीद है उनमें मुख्तार अंसारी की फरार पत्नी अफसा अंसारी के बारे में जानकारी ईडी की टीम मांग सकती है। इसके साथ साथ पूर्वांचल के बाहुबली सांसद और प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल में बंद अतुल राय के बारे में जानकारी हासिल की जा सकती है। इसके साथ साथ मुख्तार अंसारी की बेनामी संपत्तियों के बारे में ईडी की टीम एक बार फिर से बयान ले सकती है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी की टीम ने मुख्तार अंसारी को 10 दिनों के लिए अपनी कस्टडी में लिया था। डॉन की कस्टडी रिमांड 23 दिसंबर को खत्म हो रही है। मुख्तार अंसारी को जुडिशियल कस्टडी में एक बार फिर से वापस बांदा जेल भेज दिया जाएगा। हालांकि मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी की टीम मुख्तार अंसारी के साथ साथ उसके विधायक बेटे अब्बास अंसारी और साले आतिफ रजा और सरजील के खिलाफ जल्द ही पहली चार्जशीट दाखिल कर सकती है। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।